मित्रों, आगरा का पेठा आपने बहुत बार खाया होगा मार्केट से लेकर। क्या आपने घर में बनाकर देखा है? देखिए, हम आज पहली बार बना रहे हैं आगरा का पेठा। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है पेठा बनाने में, क्योंकि घर में पेठा था, ये कद्दू था, तो हमने सोचा बनाकर देखेंगे कैसा बनता है। तो अच्छा बना तो ज़रूर आपको सजेशन करेंगे इस तरह से तो बनाइएगा। पूरी पूरी प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। ये पेठा अच्छा बना है या नहीं बना है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अंत में। बने रहिएगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं वीडियो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पवित्रास किचन में। मित्रों, आज आगरा का पेठा हम बनाएंगे। घर में पेठा था, ये पेठा मीडियम साइज़ का है, देखिएगा। तो घर में पेठा था इसीलिए सोचा कि एक बार बनाकर देखेंगे किस तरह से बनता है। अगर अच्छा बना तो सजेशन ज़रूर देंगे कि आप इस तरह से बनाइएगा, अगर नहीं भी अच्छा बना तो भी मैं आपको बताऊंगी। मीडियम साइज़ का पेठा है, यहाँ पर हमारी माताजी कट कर रही हैं इसे। तो पहले इसे कट करके ऊपर का छिलका हम निकाल देते हैं, इसे कट कर लेते हैं पहले। देखिए, अंदर जो सफ़ेद भाग है ना, हमें सिर्फ वही यूज़ करना है। जो बीज है उसे हटा देना है। आप चाहे तो बीजों को लगा भी सकते हैं पेड़ उगाने के लिए, हमने ट्राई किया था, इसके पौधे भी निकले थे। तो देखिए, ये जो पेठा का छिलका है ना, इसे निकाल देना है। सिर्फ सफ़ेद भाग यूज़ करना है, और जो बीज के नीचे का सॉफ्ट वाला भाग रहता है ना, उसे भी हटा देना है। बिल्कुल सख्त जो पेठा है वही लेना है। पेठे को भी आप लेते वक्त आप चेक करके लीजिएगा, जो पेठा सख्त रहता है ना, आप उसी को यूज़ करिए। तो पहले इन सारे पेठों का छिलका हटा लेते हैं। तो छिलका हटा दिया है, इसका सफ़ेद भाग बीज के नीचे का भाग है ना, उसे हमें निकाल देना है। सख्त पीस है, देखिएगा ये। इसको चाहे तो एक फोर्क की मदद से आप इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसमें जो चाशनी बनेगी वो पूरी अंदर जाए। नहीं तो इस तरह नाइफ से भी आप कर सकते हैं। हमारी माता जी ने पूरा जो ये पेठा है उसे पीसेस बना लिया है, और पानी में चूना मिला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पेठा जो है इस चूने के पानी में एक रात के लिए हम डालकर रखेंगे। एक रात यानी 12 घंटे के लिए आपको इस पानी में भिगोकर रखना है इस पेठे को, ताकि पेठा सख्त बन जाए, जो चूना है पानी में पूरा अच्छे से घुल जाए। उसके बाद आपको इसमें पेठा डालकर रखना है पूरा 12 घंटे के लिए। हमने इसे कट कर दिए हैं, अब पानी में पेठा डालेंगे और ढककर 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगी। पेठे को ज़रा आप मीडियम साइज़ में चाहे तो कट कर सकते हैं, नहीं तो आप बड़े साइज़ में जो मार्केट में मिलता है ना, उस तरह से भी आप कट कर सकते हैं, पर हमने मीडियम साइज़ में कट किया है। देखिए, पहली बार बना रहे हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो इसे ढककर रख देते हैं। देखिए, एक रात के लिए हमने ढककर रख दिया था, करीबन 12 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, ये थोड़े से सख्त भी हुए हैं। अब हम इसे निकाल कर साफ पानी में 3 से 4 बार धोएंगे। पेठा बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, अब हम इस टब में डालकर साफ पानी में अच्छे से धोएंगे। देखिए, 3 से 4 बार तो आप इसे धोएंगे ही, कम से कम 3 बार इसे धो लीजिएगा साफ पानी में, ताकि चूना निकल जाए इसका पूरा, नहीं तो फ्लेवर वो चूने वाला ही आएगा। अब इस पेठे को 10 से 15 मिनट के लिए हम इस पानी में उबालेंगे। धो लिया है हमने इसे, लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें पानी डाला है, पानी उबल चुका है, पेठा डाल रहे हैं हम। इसे 10 से 15 मिनट आप उबाल लीजिएगा, और
चेक करते रहिएगा, क्योंकि पूरा सॉफ्ट नहीं होना है पेठा। ये उबल चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे इसे और चाशनी रेडी करनी है। उससे पहले आप इसे एक कॉटन के कपड़े में सुखा लीजिएगा, ताकि जो उबला हुआ पानी है ना वो निकल जाए, या इसी इस तरह के बर्तन में आप छोड़ दीजिएगा। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, चाशनी बन जाए और इसका अंदर का पानी भी ये छोड़ेगा। पेठा जो उबला है, इसका अंदर पानी है वो छोड़ देगा, तो हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। देखिए, मार्केट में जो पेठे बनाते हैं उसका फ्लेवर अलग अलग होता है। ज़्यादातर केसर डालकर और कुछ फ्लेवर डालकर ही वो पेठे बनाते हैं, इसलिए पेठा जो है वो मार्केट वाला टेस्ट अलग ही रहता है। तो ये जो हमने बनाया, सीधे सादगी से बनाया, तो टेस्ट उस तरह का नहीं आया था इसमें। मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ, टेस्ट पेठा का टेस्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था, जैसे कि कैंडी होता है ना उस तरह का लग रहा था। हमने ट्राई करके देखा पर उतना टेस्ट मुझे नहीं लगा इसका। पहली बार बना रहे हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरह का, पर पता नहीं पेठे में वो लोग फ्लेवर डालते हैं और किस तरह से बनाते हैं समझ में नहीं आया। मैंने प्रोसीजर फॉलो करके ही बनाया पर उतना टेस्ट लगा ही नहीं, जैसे कि कैंडी खा रहे हों उस तरह का लगा। पर ठीक था, टेस्ट ठीक ठाक था, खा सकते हैं, पर इतना मेहनत करके बनाना है तो किसी एक्सपर्ट के हाथ से बनवा कर खाएं तो बेटर है, नहीं तो मार्केट से लेना बेटर रहेगा। जो है सच्ची सच्ची बात बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि ये भी आपको एक अनुभव हो सकता है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह का बन सकता है। ये आपको बताना था, इसीलिए मैंने आपको वीडियो शेयर किया है।